के लिए आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, इंटरेक्टिव टूल बॉक्स, और Ubuntu का सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है, इट्स क्लिक करके आपको डबल क्लिक करके आप ऑन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर हो जाएगा। तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड EID फॉर विंडोज, मैक है तो मैक के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर। तो elmousa.com से आप डाउनलोड फॉर EID Elmo इंटरेक्टिव टूल बॉक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। elmousa.com के थ्रू आपको जाना है, elmousa.com में जाके सॉफ्टवेयर में जाके आपको डाउनलोड EID फॉर विंडोज, डाउनलोड EID फॉर मैक। Ubuntu के लिए हम लोग अलग से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है विंडोज के लिए, अब इसको ये EID आइकॉन आपका बन के आ जाएगा डेस्कटॉप पे, इसको हमको क्लिक करना है फॉर विंडोज के लिए। सो ये देखिए ऑन हो गया। अब इसमें हमको कैमरा सेलेक्ट करना है, तो हम चेक कर सकते हैं वेदर कैमरा सेलेक्ट है कि नहीं है। देखिए ये सेलेक्ट है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और आपको दिखा देगा। ये देखिए यहां से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्रीज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए रोटेट हो रहा है, देन फ्रीज कर सकते हैं। देखिए मैंने ये पेपर हटा दिया, ये इमेज यहाँ पे फ्रीज है, तो आप फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एनोटेट कर सकते हैं, जैसे आप इसको कुछ चीज लिखना चाहते हैं आप ये दिखा सकते हैं कि आप क्या बात पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं कोई चीज को, ठीक है। सेकेंड चीज आप यहां से जूम भी कर सकते हैं, जूम करने के लिए आप रिमोट भी यूज कर सकते हैं, रिमोट के थ्रू भी आप जूम कर सकते हैं नॉर्मली। ये फ्रीज है तो ये नहीं है, फ्रीज के लिए अनफ्रीज करना पड़ेगा अपने को, तो फ्री अनफ्रीज कर दिया। अब मैं जूम कर रहा हूं, ये देखिए ऑलरेडी ये A4 साइज पे मैं दिखा रहा हूं, मैंने अभी काफी ज्यादा जूम कर दिया। अब मैं इसको अनजूम कर रहा हूं, ये IR पे आपको फोकस करके रिमोट ऑपरेट करना है, IR टर्मिनल जो दिया हुआ है, ओके। सेकेंडली आप इसको चूज भी कर सकते हैं यहां से कि आप सपोज कुछ एनोटेशन है और आप उसको इरेज करना चाहते हैं तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, आपको इसमें से चूज करना है, एंड नाउ यू कैन इरेज, आप इसको इरेज कर सकते हैं। इवन आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको Ubuntu में भी मिलेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्नैप ले लिया, मैंने ये स्नैप ले लिया, ये आपके फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। अब मैं हम लोग देख सकते हैं उसको फोल्डर पे, ओके। अब मैं वापिस से विजुअलाइजर पे आ जाता हूं, अब मैं जाके इसको देखना चाहता हूं ये कहां सेव हुआ स्नैप। ये देखिए ये सेव होगा माय पिक्चर्स में जाके, पिक्चर्स में आप देखिए Elmo इंटरेक्टिव टूल बॉक्स का फोल्डर बन गया है, हमने अभी पिक्चर ली जो वो इसमें आ जाएगा। देखिए अभी हम लोग ये कर रहे थे, ये आ गया, ये पिक्चर वहां पे है, मैं अभी फिर से एग्जिट करके आपको सारी पिक्चर्स वापिस से दिखाता हूं। मैंने टूल बॉक्स पे वापस से क्लिक किया क्योंकि मेरे को आपको फोल्डर में दिखाना था ये चीज, मैंने सेलेक्ट कर लिया, विजुलाइजर का आ गया। आप इसमें ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, आप जैसे कोई कॉल कर रहे हैं आप नहीं दिखाना चाहते विजुलाइजर, तो आप इसमें से विजुलाइजर से ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, आपको इंटीग्रेटेड कैमरा, और ये फीचर आपको Ubuntu में भी है, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं वीडियो का, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये आवाज आपको वहां पे आएगी। अब मैं बंद करना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग को, मेरे को वापस से क्लिक करके रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ।
हाँ रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, अब हमको देखना है कि ये कहाँ पे सेव हुआ है। तो Ubuntu में तो हम स्पेस भी दे सकते हैं, Ubuntu का हम लोग पाथ आपको दे देंगे कि कहाँ पे आप जहाँ भी चूज कर सकते हैं पाथ, आपको फोल्डर में जाकर जहाँ भी आप चूज करना चाहें वहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली ये पिक्चर्स वीडियो रिकॉर्डिंग ये आपके फोल्डर में जो माई डॉक्यूमेंट्स के पास में रहता है वहां पे आपको जाके तो ये जिसके वजह से ये स्विच पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल स्क्वायर एंड सर्कल वाला जो आइकॉन है इसको क्लिक करना है, तो इससे हम लोग इमेजेस देख सकते हैं, हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। सो अब हम इमेजेस जैसे डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं तो अब हम उसको देख सकते हैं ऑलरेडी। एक मिनट तो ये देखिए इमेजेस जो मैंने कैप्चर किए थे, ये रिकॉर्डिंग है, ये इमेजेस है, ये ऐसे आपको दिखाई देगा जितने भी हमने यहाँ पे भी पहले के शूट किए हुए हैं इसके, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको और इस इन इमेजेस को फ्यूचर में आप यूज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो जैसे अभी एक इसमें QR कोड रीडर भी है, ठीक है, तो इसको आप कभी जैसे इंटरनेट से ये कनेक्टेड है सो आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो भी QR कोड होगा नॉर्मली कोर्ट में भी आपको केसेस आते हैं तो वो भी रीड करेगा ये, लेकिन इसे इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा यूनिट को। ये देखिए वो जंप करेगा जैसे ही, इसने वेबसाइट एक अभी हमारा यूनिट कनेक्टेड नहीं है लेकिन इसने सीधा QR कोड लेके वेबसाइट पे जंप किया। साथ के साथ आप आपको इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। आप सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें ऑप्शन आएगा वाईफाई, इसको क्लिक करिए, ऑन कर दीजिए वाईफाई को। अब इसमें यह वाईफाई ऑन है, इसमें ऑप्शंस आपको दिखेंगे, आप कोई भी वाईफाई का ऑप्शन लेके इसको अकॉर्डिंगली आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोड है इधर, आप इसको चूज कर सकते हैं अपने विजुलाइजर को कनेक्ट करके और आप कोड केसेस वगैरह वो सब डायरेक्टली एज अ पीसी से कनेक्ट कर, पीसी से नहीं कनेक्ट करना है, नॉर्मली आप चले जा सकते हैं ऑनलाइन उसके ऊपर। आपके पास फिर माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप कनेक्ट है, इसलिए आप माइक्रोस्कोप कनेक्ट कर सकते हैं। मीरा कास्ट है, लेकिन जब आप कास्टिंग ऑन करेंगे तो यूएसबी नहीं चलेगा, तो देयर इज नो ऑप्शन, कास्टिंग के साथ यूएसबी नहीं चलता। सो ये है, नॉर्मली आपको कास्टिंग ऑफ करनी पड़ेगी तब यूएसबी चलेगा। ब्राउजर यू कैन स्विच ऑन टू कनेक्ट टू द कीबोर्ड, एनी नॉर्मल कीबोर्ड एंड गो टू एनी वेबसाइट यू वांट ट्राई से कनेक्ट किया, गूगल ओपन हो गया, आप सर्च कर सकते हैं कीबोर्ड लगा के। सपोज कीबोर्ड पे लिखना चाह रहा हूँ या मैं कोई अदर वेबसाइट जाना चाह रहा हूँ तो आप जा सकते हैं अकॉर्डिंगली, फिर ब्राउजर से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं इसमें आप टाइमर लगाना चाहते हैं, आप इसमें टाइमर इंस्टॉल कर सकते हैं, टाइमर देख सकते हैं, चला सकते हैं अकॉर्डिंगली, कोई टाइम लिमिट रखना चाहते हैं टाइम लिमिट रख सकते हैं। सेकेंडली फिर जैसे गूगल प्ले होता है वैसे ही एल्बो प्ले है हमारा। सो इसमें कई सारे ऐप आते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, जैसे WPS ऑफिस, स्कॉपी, गो एड्यूट। हाँ, तो यहाँ से हम लोग WPS ऑफिस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें हिंदी और जैपनीज दोनों में दिया, जैपनीज और इंग्लिश दोनों में दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब आप ऑफिस से जाइए। अब इसमें कैमरा है, कैमरा में जैसे कि हम लोग रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं बिना यूनिट को हाथ लगाए हुए। ओके, सो रोटेट और फीचर्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, जूम इन जूम आउट सब दिखा सकता हूँ मैं।
ऑलरेडी पहले। इसके अलावा इनफैक्ट अभी फिर से एक बार रोटेट दिखा देता हूँ, एक्सटर्नल स्विचिंग है। एक्सटर्नल स्विचिंग क्या होता है कि आप दो लैपटॉप के बीच में स्विच करना चाह रहे हैं, सो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी दो लैपटॉप नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन ये एक स्विचर का काम कर सकता है। थर्ड व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड आप कभी कोई ये नॉर्मली क्लासरूम्स में यूज होता है जो एजुकेशन के लिए, तो इस फीचर पे मैं अभी ज्यादा नहीं बात करूंगा। नॉर्मली मैंने सॉफ्टवेयर में सब दिखाया है मैंने कि कैसे एनोटेट कर सकते हैं हम लोग, सेम चीज। फिर हम लोग ये गैलरी यूज कर सकते हैं। गैलरी नॉर्मली हम लोग इमेजेस वगैरह जो अभी हमने रोटेट किया या हमने पिक्चर्स लिए वो सब हमने इसमें रख रखे हैं, सो ऑन दैट पार्ट हम लोग इसको दिखा सकते हैं कभी भी। इसको हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं, जो पिक्चर्स हैं पिक्चर्स को हम लोग यूटिलाइज कर एनोटेट भी कर सकते हैं सो अकॉर्डिंगली। अच्छा, गैलरी में दो तीन फीचर्स और हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें कि आप स्क्रीन स्प्लिट दो पिक्चर्स को कंपेयर कर सकते हैं, लाइव इमेजेस और जो पिक्चर आपने लिया हुआ है पहले, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। सपोज ये लाइव इमेज है और ये कोई पिक्चर मैंने पहले भी कोई ली हुई है, तो मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। नाउ मैं वापस जाके इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। सो देखिए, ये लाइव इमेज है, इसमें सब दिख रहा है, ये इमेज पहले की है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं क्या है, क्या बात हो रही है, कैसे है। सो ऑन दैट फाइल मैनेजर, ये ऊपर का सारा मैंने सारे फीचर्स दिखा दिए। फाइल मैनेजर्स में आप देख सकते हैं फाइल कितनी बड़ी है। सो ऑन दैट पार्ट 5.68 GB का इसमें स्पेस मिलता है आपको, इंटरनल स्टोरेज कनेक्ट करके आप 32 GB आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप DCIM में आप जो भी आपके पिक्चर्स हैं इमेजेस हैं वो स्टोर हो जाते हैं। नॉर्मली आपको स्टोरेज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो पीसी पे आप EIT से नहीं कर रहे हैं, आप इस पे भी स्टोर कर सकते हैं। आप USB अप टू 32 GB पे आप स्टोर कर सकते हैं JPG इमेज फाइल्स वगैरह, और WPS ऑफिस करेंगे तो आप PDF भी दिखा सकते हैं। पूरा कैमरा ऑन है। अब मैं आपको इसकी मैनोरेबिलिटी पूरी दिखा देता हूँ। मैनोरेबल है, ये इसको हम घुमा सकते हैं पूरा, ये देखिए ये पूरा घूम सकता है, ठीक है, ये पूरा घुमा सकते हैं, ये हेड घूम सकता है पूरा, यहाँ तक आके एक लॉक हो जाएगा, एक पोजीशन पे आके ये लॉक होता है। अब इसको हम लोग ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आके लॉक हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे आके लॉक हो जाता है। ओके, सो ये सब आपको आप कर सकते हैं, ये ताकि आप पूरा एरिया कवर कर दें, आपके चारों तरफ का एरिया आप कवर कर सकते हैं इसको। इसके लिए हम इसको बोलते हैं 360 डिग्री पूरा एरिया कवर करना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने अभी पूरा जूम आउट कर रखा है, जूम आउट कर रखा है, आप देखिए जूम इन कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये देखिए जूम इन। और जब भी कभी मैं एक्स्ट्रा कर दूं तो देखिए ये ऑलरेडी ऑटो फोकस आप कर सकते हैं, तो क्लैरिटी ऑफ द वीडियो देखिए आप। सो ये है ऑटो फोकस, आप हमेशा येलो बटन से पीछे से कर सकते हैं। आप ऑन अ पैनल आप यहां से भी जाके फ्रीज कर सकते हैं, देखिए मैंने फ्रीज कर दिया, वो वैसे के वैसे है वहां पे, ये फ्रीज हो चुका है। इसी से आप रोटेट भी कर सकते हैं ये वाले बटन से, बाद में फिर आप इससे जूम इन जूम आउट ब्राइटनेस भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ, ये ब्राइटनेस कम करने के लिए है। ये आपका विजुअलाइजर का स्विच है जिसे आप ऑन करके आप देख कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सटर्नल स्विचिंग का स्विच है जिससे आप दो लैपटॉप के बीच में स्विचर का काम कर सकते हैं। यहाँ से आप गैलरी भी जा सकते हैं। सो देखिए मैंने ये विजुअलाइजर स्विचिंग पे कर दिया, लेकिन फिर से मैंने विजुअलाइजर पे किया, अभी मैं ये गैलरी में जाना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट इस स्विच से गैलरी में जा सकता हूँ।
ये वाले से। फिर यहाँ पे हम मेनू पे जाना चाहते हैं, तो मेनू पे हम जा सकते हैं। इधर मेनू पे जाके हम इसकी सेटिंग देखना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वैसा हम कर सकते हैं। हम लोग सपोज फिर से विजुअलाइजर पे जाते हैं एक बार, तो इससे हम यहाँ पे अब ये इमेज हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो इससे इस स्विच से हम कैप्चर कर सकते हैं, तो फोटो क्लिक हो जाएगी यहाँ से। देन वीडियो हम इस पे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यूएसबी कैमरा के साथ वीडियो नहीं ऑन होगा, लेकिन ऐसे वीडियो हो जाएगा। रोटेट का मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आप लोगों को, फ्रीज का दिखा चुका हूँ मैं पहले आपको, इससे ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो सकती है इससे, इन दोनों बटन से। ये चीज़ें आपके रिमोट पे भी दिख रही हैं, रिमोट पे भी आप देखिए सेम मेनू, कैमरा फोटो क्लिक करने का, फोटो कैप्चर करने का, वीडियो कैप्चर करना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, रोटेट करना, एक्सटर्नल स्विचिंग, विजुअलाइजर, गैलरी। H12W के बारे में इसके अलावा आपको कुछ जानना हो तो आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ये संदीप.कुमार@elmosea.com। धन्यवाद।